देखिए आप लोग, हम चलिए मनोकामना। ये राज मैदान का ग्राउंड है, यहाँ पे क्रिकेट खेला जा रहा है। अपने बिहार में बहुत से चीज़ ऐसे हैं जो घूम सकते हैं आप लोग। अपने बिहार किसी से भी कम नहीं है। तो यही मनोकामना माता मंदिर है, और यहाँ पे आप लोग जब भी श्यामा माता मंदिर आए तो वहाँ से जस्ट थोड़ा ही से दूर पे मनोकामना माता मंदिर है, यहाँ पे भी आप लोग आके दर्शन कर सकते हैं। देख सकते हैं भक्त जन की यहाँ पे कोई सीमा नहीं है, कितना भी आ सकते हैं जा सकते हैं। यहाँ पे फूल पान मिठाई प्रसाद सब चीज़ है। तो फाइनली हमने घूम लिया जो घूमना था, और बाकी है और आगे चल के देखते हैं आगे आगे कहाँ कहाँ घूमने का मौका मिलता है। अंदर चलेंगे भाई, रुक जाओ, अंदर जाएंगे। हाँ अंदर जाएंगे। तो आप लोग इस मंदिर पे आए तो थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करने के लिए जगह है ना। बिहार में किसी चीज़ का सुविधा हो चाहे ना हो, लेकिन तालाब का सुविधा सब जगह मिलेगा। और देख सकते हैं इस बीच में जो पिलर दिख रहे हैं ना, इसे बोलते हैं जाट। तो ये पानी के अंदर रहते हैं, एक बार इसके अंदर जब भी गड़ा जाता है तो ये हमेशा पानी के अंदर ही रहते हैं। और देख सकते हैं इसमें माँ सरस्वती, माँ दुर्गा सभी का मूर्ति विसर्जित होते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर जगह ये तालाब ऐसे मिलते हैं देखने को। बैठो, छोटे बच्चे यार के लिए देख सकते हैं झूले उल्ले भी है, और बच्चे यार खेलते भी है, कूदते भी हैं और मज़े लेते हैं सब के सब। हम लोग आए हैं यहाँ पे और बैठे को जिसे कहते तो प्रतीक्षा घर, तो यहाँ पे हम लोग वेट भी कर सकते हैं। सुकून मिलता है तो आप लोग आइए। सामने देख सकते हैं बरगद का पेड़, जो कि ये पेड़ वृक्ष पूजनीय होते हैं। Thank you.
मिले तो छोड़े न फाइनली हमने घूम लिया और यहाँ से हम अब जाएंगे और देखते हैं आप लोगों के लिए दिखाते हैं कि क्या क्या होता है और देख सकते हैं आप लोग। तो और बिहार आए और घूमे ना तो ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं है। बिहार में बहुत से ऐसी जगह है कि घूमने लायक, तो आप लोग घूम सकते हैं और देखें। मैं इस टाइम आया, धूप बहुत ज़्यादा हो रहा है सर, मैं गलत टाइम पे आ गया था लग रहा मुझे, ये धूप कुछ ज़्यादा ही है। शाम का तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ होता है यहाँ पे, एग्जाम भी चल रहा है चार का। तो घूमने के बाद तो आप लोग मेरे वीडियो सपोर्ट करें भाई लोग, क्योंकि आगे चल के और अच्छे अच्छे वीडियो आएगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग ब्लॉग में मेरा बना रहिए, जिससे कि मेरा ब्लॉग आप लोगों के लिए हमेशा आता जाता रहे। तो आप लोग देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा तो मज़ा आ जाएगा, और मज़ा आएगा तो फिर हम लोग आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे जगह जाएंगे। और बिहार में बहुत से ऐसे जगह हैं जो घूमने लायक है, लेकिन क्या करें, सरकार थोड़ा बढ़ावा कर दे तो मज़ा आ जाएगा। सरकार भी क्या करेगी, कितना करना होगा, करना तो जनता का ही है देख रेख। तो हम लोग ने आप लोगों के लिए दिखा दिए कि क्या क्या है। देखिए लीची का पेड़ और लीची फूल देना शुरू हो गया, आने वाला टाइम में लोग फल देना भी शुरू हो जाएंगे, बस कुछ ही दिन की दिक्कत है। और लीची का पेड़ है, अपना तालाब, ललित नारायण मिथिला, ललित नारायण मिथिला, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही खतरनाक तरीका से